देश के संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों में कई अंतर है। लोकसभा में प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है, मगर राज्यसभा में प्रतिनिधि का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के प्रतिनिधि करते हैं। इस अंतर के साथ ही एक छोटा सा अंतर सदन के भीतर भी होता है। क्या आपने कभी गौर से संसद के दोनों सदनों में बिछे कालीन को गौर से देखा है? दोनों सदनों के कालीन में रंग का अंतर होता है। लोकसभा का कालीन हरे रंग का होता है, जबकि राज्यसभा का कालीन लाल रंग का होता है। अलग अलग रंग वाली कालीन के पीछे की वजह बड़ी है। लोकसभा में हरे रंग की कारपेट बिछाई गई है, क्योंकि लोकसभा पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है। ये जनप्रतिनिधि जमीनी तौर पर जनता से जुड़े होते हैं। घास और कृषि के रंगों को इसके प्रतीक के तौर पर माना जाता है, इसीलिए यहाँ हरी कारपेट बिछी होती है। वही राज्यसभा, जिसे संसद का उच्च सदन भी कहते हैं, यहाँ लाल रंग की कारपेट बिछी हुई नजर आती है। यह रंग राजसी गौरव और स्वाधीनता संग्राम में शहीदों के बलिदान का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए राज्यसभा के लिए कारपेट का रंग लाल चुना गया है। यह राज्यों के जनप्रतिनिधियों के आंकड़े के हिसाब से प्रतिनिधि पहुंचते हैं। खास बात है कि जब दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होते हैं और यहां दोनों सदनों के सांसद बैठते हैं। गौरतलब है कि संसद को गोलाकार संरचना के रूप में बनाया गया है। इसका निर्माण ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने किया था। संसद भवन का निर्माण 12 जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। इसे पूरा होने में करीब 6 साल का समय लगा। कहा जाता है कि संसद भवन की डिजाइन मध्य प्रदेश के प्राचीन 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। इसे तैयार करने में 83 लाख रुपए की लागत आई थी। संसद भवन में बनी लाइब्रेरी को देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक माना जाता है। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।